और अब एक खबर ऐसी जो आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए, राज्य के नेतरहाट आवासीय विद्यालय, ये जो अपने झारखंड में नेतरहाट आवासीय विद्यालय बहुत प्रतिष्ठित स्कूल है, बहुत बड़े बड़े अधिकारी, बहुत बड़े बड़े राजनेता भी स्कूल ने दिए हैं। नेतरहाट आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए चयनित स्टूडेंट्स का रिजल्ट तो जारी हो गया, लेकिन इसके जारी होते ही अब सवाल भी उठने लगा है। क्यों? क्योंकि स्कूल की ओर से जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें अकेले 5 जिले ऐसे हैं जहां के 75 बच्चे हैं, बाकी 23 बच्चे 13 जिलों के हैं, और 6 ऐसे जिले हैं जहां से एक भी बच्चे का चयन नहीं हुआ है। उससे भी गजब बात यह है कि धनबाद जिले से सबसे ज्यादा बच्चे हैं। अब सवाल क्यों है इसको आपको हम समझाते हैं। पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। रिपोर्ट दिखाइए। राज्य के नेतरहाट आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए चयनित स्टूडेंट्स का रिजल्ट जारी हुआ, इसके जारी होते ही सवाल उठने लगा, क्योंकि स्कूल की ओर से जो रिजल्ट जारी किया गया उनमें अकेले 5 जिले ऐसे हैं जहां के 75 बच्चे हैं, बाकी 23 बच्चे 13 जिलों के हैं। वहीं 6 जिले ऐसे हैं जहां से एक भी बच्चे का चयन नहीं हुआ है। इन जिलों में रामगढ़, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, साहिबगंज और जामताड़ा है। सबसे अधिक 24 बच्चों का चयन धनबाद जिले से हुआ है। 16 बच्चे गिरिडीह, 12 बच्चे हजारीबाग, 12 बच्चे लोहरदगा और 11 बच्चे चतरा जिले के हैं। स्कूल की ओर से जारी किए गए रिजल्ट पर गड़बड़ी की आशंका जताने का प्रमुख कारण चयनित स्टूडेंट्स का रोल नंबर भी। दरअसल इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि एक ही जिले के चयनित छात्रों का रोल नंबर सीरियल में, यानी एक ही क्रम संख्या में है। जैसे धनबाद जिले के चयनित स्टूडेंट्स का रोल नंबर 2024008102024008902024008902024009002024009005 बताया जा रहा है। एक ही क्रम संख्या में चयनित बच्चों का रोल नंबर होने से भी आशंका बढ़ रही है। हालांकि स्कूल के प्राचार्य संतोष सिंह ने किसी भी गड़बड़ी की आशंका से इनकार किया है। नेतरहाट स्कूल की परीक्षा प्रमंडलीय स्तर पर होती है। एक सीरीज के सारे रोल नंबर हजारीबाग प्रमंडल के हैं। धनबाद जिला हजारीबाग प्रमंडल में ही आता है। प्राचार्य संतोष सिंह भी धनबाद के रहने वाले हैं। धनबाद में गुरुकुल है जिसको प्राचार्य के भाई मंटू सिंह चलाते हैं। प्राचार्य के भतीजे भी नेतरहाट स्कूल में ही पढ़ते हैं। अब इस बात की जांच होनी चाहिए कि कितने छात्र गुरुकुल के इस परीक्षा में सफल हुए। अगर लोगों के मन में संशय है तो इस संशय का साफ होना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। और देखिए, केदार प्रसाद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जो मुख्य शिकायतकर्ता हैं। केदार जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। और आपने जो सवाल खड़ा किया वो बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। डंके की चोट पर यह कार्यक्रम है, डंके की चोट पर ही हम ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि आपको क्यों लगता है कि इस रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है? नहीं, एक तो जोहार और धन्यवाद, आपने मुझे कांटेक्ट किया है। मैं तो पिछले 4 साल से अपने प्राचार्य के और विद्यालय के कार्यकारिणी के पीछे बहुत सारे कंप्लेन करके थक गया हूँ। मुझे मेन लगता है कि जो सीरीज ऑफ एक्सीडेंट खा रहा है, जो सेंटर है, वो मैच नहीं करता है। अच्छा, किसी को भी संदेह, आप ही के घर से भी 4 बच्चे एक साथ हो जाए, चारों बच्चे बहुत अच्छे हो सकते हैं, सब कुछ संभव है, लेकिन दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। बैकग्राउंड को देखते हुए, जो बैकग्राउंड है अभी प्राचार्य महोदय का जी, और जो तरीका है एडमिशन का, पिछले साल भी ये न्यूज में आया था, लेकिन हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं था इसलिए हम नहीं कुछ बोल पाए थे। इस बार तो साक्ष्य में दिख रहा है कि 23 और देखिए संजोग है, हजारीबाग सेंटर भी उन्हीं का है, वहाँ जो शिक्षक गए थे वो भी उन्हीं के फेवरेट हैं, तो सारी चीजें। और ये कोई पहली बार नहीं होगा, पूर्व में भी ऐसे कितने सेंटर्स हुए हैं जहाँ चोरी करके लोगों को क्वालिफाई कराया जा सकता था, फिर उस पर जांच बैठी, रोक लगाई गई, सुधार किया गया, अलग शिक्षकों को भेजा गया, तो चीजें सुधरी। लेकिन इन प्राचार्य ने जो अखबार में आपने पढ़ा होगा इनके कमेंट, ये तो कहता है सब ट्रांसपेरेंसी, तो मैंने इसलिए
सचिव को मंत्री को लिखा है कि 100 बच्चों का 15-20 दिन में अलग से एग्जाम कर लिया जाए। अच्छा, इन 100 बच्चों का अलग से एक एग्जाम कर लिया जाए। हाँ। दूध का दूध, दूध का पानी हो जाएगा। अच्छा, जो जो मैं, मेरी जानकारी जहाँ तक है कि प्राचार्य के भाई साहब जो हैं वो धनबाद में गुरुकुलम चलाते हैं, तो आपके पास कोई जानकारी कि गुरुकुलम के कितने छात्रों का, ये जो रोल नंबर हम दिखा रहे हैं इसमें गुरुकुलम के कितने छात्र हैं, इसको लेकर के भी क्या आपने अपने स्तर से कोई जाँच की है? मैं अभी कर रहा हूँ, मैंने आदमी भेजा है धनबाद जी, मैं आदमी भेजा है जो लड़कों का है, क्योंकि मैंने प्राचार्य महोदय से मांगा है डिटेल, नाम होने से, पेरेंट का नाम होने से, पिताजी का नाम होने से लड़का लोकेट हो पाएगा ना। अच्छा, एक सवाल और आखिरी, चूंकि आपने इस शुरुआत में कहा कि प्राचार्य महोदय का इतिहास, तो थोड़ा हम लोगों को भी एनलाइटन करें कि क्या इतिहास है उनका, चूंकि हम लोगों को बहुत ज्यादा इसके बारे में जानकारी है नहीं, बता सकते हैं कुछ? इन्होंने जब अप्लाई किया था, जब ऑल इंडिया लेवल पे निकला था एडवर्टीजमेंट, तब इन्होंने आवेदन दिया था प्राचार्य महोदय के पद के लिए, और उस समय इन्होंने लिखा था कि जो जी का, जो जी स्कूल का प्लस टू है वहाँ ये प्रिंसिपल है। अच्छा, जबकि आज तक सूचना अधिकार में मैंने बायोडाटा इनका सबसे मांग लिया, समिति से मांग लिया, किसी ने नहीं दिया 4 साल में। अच्छा, और जब मैंने फिजिकली आदमी भेज के पता लगाया तो ये सिर्फ एक्टिंग प्रिंसिपल थे, बिना किसी अधिकार के, बिना किसी फाइनेंशियल पावर के। हाँ। तो आप भी जानते हैं प्राइवेट प्लस टू इलेवेंथ स्कूल में क्या होता है, जी, जी, जी। सारी दुनिया जानती है कि प्राचार्य के पास कोई पावर नहीं होता है। अच्छा, और ये फिर समिति में सेलेक्ट कर गए, जबकि हमारे त्रिनाथ मिश्र जी, प्रोफेसर के नाग जैसे लोग थे, एच के पी सिन्हा जी जैसे मेंबर थे, फिर भी ये चुनाव चयनित हो गए। अच्छा। जबकि इनका बैकग्राउंड है ही नहीं, इनमें कोई भी गुण नेतरहाट के विद्यालय के अनुरूप था ही नहीं। अच्छा। एक टाई पहनते हैं, कभी गाड़ी से नीचे नहीं उतरते हैं, आते ही उन्होंने विद्यालय में अंग्रेजी की प्रथा चालू कर दी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अभी हमारे मुख्यमंत्री जोहार पे उतरे हुए हैं, वो पहले ही दिन से गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग पे आ गए। इन्हें शिक्षा से कभी कोई मतलब ही नहीं था। चलिए, तो आपके द्वारा बहुत शुक्रिया केदार प्रसाद जी, इसलिए चूंकि आपके द्वारा लगाए गए आरोप देखिए बहुत गंभीर है, हम भी अपने स्तर से इसकी सारी जांच करवाएंगे, हम अपने स्तर से चाहेंगे कि हम सरकार के संज्ञान में, प्रशासन के संज्ञान में तमाम बातें लेकर के आए, लेकिन फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि कम से कम आपसे बातचीत करके एक बात तो समझ में आ गई कि झारखंड में ऐसे जागरूक नागरिक भी हैं जो सवाल सिर्फ उठाते नहीं है, उन सवालों के जवाब भी ढूंढते हैं। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।